प्रमोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले यही इंडियन थे, यही एशिया जो ममालिक हैं वहाँ जाते थे, सारा इनका टूरिज्म जो है ऊपर उठा है और उसी बेस पे तो ये इनका मुल्क चल रहा था। अब देखें ये बायकॉट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल इन्होंने संभाला हुआ था इंडिया दुनिया में एक में आ रहा है, उसको किसी कदर ठेस ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है। मैं तो बिल्कुल इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा इंडियन नेशन को कि उन्होंने ऐसा किया। अच्छी पर हकीकत इसके पीछे करप्शन की स्टोरियां हैं। वो करप्शन कहां से हो रही है? वो चाइना पैसे दे रहा है। आपने देखा होगा वहां पे नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुईज साहब आए हैं और उन्होंने, वो चाइना के सपोर्टर हैं, एक हफ्ता वो चाइना रहकर आए। फिर मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइन्स पे जब वो वहां पे एनवायरमेंट की जो जिसमें गए थे और बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी अपनी भारतीय मिलिट्री को यहां से निकाला जाए। जी बात, एक्चुअली यू आर राइट, आई एग्री विद यू। मालदीव मिनिस्टर शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, शुड नॉट। आई मीन इंडियंस व्हाट दे आर डूइंग विद मालदीव और मालदीव इज डूइंग विद इंडिया, ये पहली दफा ही नहीं हुआ। हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें, भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिजनेस प्रोवाइड करता है, टूरिज्म का जो है वो बहुत ज़्यादा, एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विजिट करती थी। इंडियन ने भारतीय जो फौज वहाँ पे बैठी हुई थी, वहाँ के पायलट बैठे हुए थे, इनके पास तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनको ये चीज़ें उसको उस तरह से नहीं देख सकते। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न वहाँ पर इनको डबल देना पड़ेगा। आप देखें टूरिज्म में तो वाकई भी बहुत बड़े फैन जी, मैं बिल्कुल मैं करता रहूँगा, ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया या भारत है, ये चीज़ एक, अगर आप सही बंदे हैं या इस चीज को समझते हैं कि ये गलत हुआ है तो उसके खिलाफ वो उठना चाहिए। मैं वो बताना चाहूंगा कि ये जो अभी रिसेंट वाकया हुआ है इसके पीछे अवामिल क्या है। एक तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये मालदीव के 20-20 साल के लौंडे लपाड़े थे जिन्होंने ये वारदात शुरू की। 3 मिनिस्टर थे, बिल्कुल अभी दाढ़ी मूछें भी नहीं उनकी आई, 2 तो खवातीन है और एक वो बच्चा सा है हसन रेहान, उसका क्या नाम है, मैंने उसको तफसील में देखा, छोटे छोटे बच्चे। कहते जी यूथ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। भाई इनको जब मिनिस्ट्रियां या इस तरह के टाइटल देते हो तो इनसे कोई अंगूठे लगवा लो कहीं से 4, या इनको एक दिन की ट्रेनिंग दे दो कि एथिक्स क्या होते हैं। यस यू आर इंडियंस, दे आर नेशनलिस्ट, दे हैव, दे आर बेटर इकॉनमी एट दिस टाइम राइट नाउ कंपेयर टू, दे लुक टुवर्ड्स द वीकर नेशंस इन द आईज ऑफ इंडिया। तो अब हुआ ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद गई गई है उनके लक्षद्वीप के दौरे को लेकर, तो जिसकी वजह से इंडियंस ने कहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और बिजनेस लेटर, तो लिहाजा जितनी भी फ्लाइट्स जो बुकिंग थी मालदीव के लिए वो तमाम की तमाम सस्पेंड कर दी गई है। क्या कहेंगे आप? इंडियंस दे आर नेशनलिस्ट, दे हैव, दे आर बेटर इकॉनमी एट दिस टाइम राइट नाउ कंपेयर टू, दे लुक टुवर्ड्स द वीकर नेशंस इन द आईज ऑफ इंडिया। करना चाहिए, सही बात है। लेकिन आप जब रेसिस कमेंट्स पास करते हैं, एक मजाक उड़ा रहे हो, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया है। तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया ही बायकॉट करते, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि हमारे साथ अगर क्लैश हो रहे हैं, हमारे साथ जो क्लैश हो रहे हैं वो और तरह के, हमारे वो भी करते हैं कि हमारी ये चीज़, कभी हमने ये नहीं किया कि उनका मजाक उड़ाया हो, उनके फ्लैग का मजाक उड़ाया हो या भारत का मजाक उड़ाया हो या उनके पीएम का मजाक उड़ाया, नहीं उड़ा। कहना क्या है कि देखा जाए तो मालदीव्स और ऑन द अदर हैंड जो आप कह रही हैं लक्षद्वीप, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनका बेसिक कंपैरिजन देखा जाए तो वो आपको बड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करते हैं तो तकरीबन वो 30 से 33, अकॉर्डिंग टू माय स्टिल इंफॉर्मेशन, वो 32-33 आइलैंड्स पर जो है वो मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए मालदीव्स को तो वो 300+ आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। तो मालदीव्स हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अर्सा से चलता आ रहा है और वहाँ पर नो डाउट लोग जाते हैं, लोगों के वन ऑफ द कह लें कि मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रीम्स में से एक होता है कि जी हमने मालदीव्स में जाना है। इन्होंने मोहम्मद मोईद यूसुफ की गुड बुक्स में आने के लिए चाइना का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा है कि चलें जी इस पे हम कैपिटलाइज करते हैं। मोदी साहब जो गए हैं लक्ष्यपति अपने वहां पे बीच पर, तो वहां पे गए, इन्होंने उल्टी सीधी उसको बल्कि रेसिस किस्म की ट्वीटें की जो कि बहुत वायरल हुई। मैं समझता हूं उसका बल्कि फायदा मोदी साहब को हुआ, इलेक्शन में, इलेक्शन का साल चल रहा है और उसमें मोदी साहब को बल्कि उसका फायदा हुआ बहुत। अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक एम्बेरसमेंट की, दुनिया ने देखा कि कितने इमेच्योर हैं। देखें हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सबसे पहली बात तो ये है। अगर उनने पीएम मोदी से 100 इख्तलाफ सही, चाहे वो इंडिया का पीएम है या किसी भी कंट्री का हो, तो जब आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट करोगे तो उसके बाद ये बनता है कि एज अ नेशन, ये तो इंडिया की अब डिग्निटी पे बात आ गई है ना, तो उन्होंने किया तो वो
उनकी कंट्री की एक वैल्यू है, तो उस हिसाब से जरूरी है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई करता है तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया गया है। और ये इंडियन जो बॉलीवुड है वो भी मतलब एक्ट्रेस वगैरह वहाँ पर जाके कितना प्रमोट करते हैं, टूरिज्म को इन्होंने उठाया है और ये उस मुल्क के साथ पंगा लेकर बैठ गए। अब देखें इसकी इकॉनमी मेरे ख्याल में क्लैप्स कर जाएगी। सही बात है। और देखिए, हम अगर नेशनलिज्म या नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल देते हैं। और अगर बात की जाए लक्षद्वीप की बात की जाए तो बिल्कुल अभी रिसेंट आप कह सकते हैं कि अभी बच्चा है उसके आगे, लेकिन मालदीव एक्सपेंसिव है, लक्षद्वीप जो है वो अभी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तकरीबन $500 to $700 पर वीक आपको जो है वो चार्ज किया जाता है इन इंडियन करेंसी की। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मालदीव हकीकत इसकी है क्या। ये 1968 में आजाद हुआ है, पहले डच कॉलोनी थी, फिर ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी और अभी भी कॉलोनी टाइप ही है। वहां पे गोरे गाड़ियां आते हैं, इन्होंने सर्वे कर रखा है, टूरिज्म पे चल रहे हैं, गोरे आते हैं तो कहते हैं जी वो $2500 स्पेंड करते हैं, भारत बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं लेकिन वो $750 देते हैं, ये सर्वे है वहां। 70% उनका डेट जो है ओन बाई चाइना। अभी रिसेंटली चाइना मालदीव में एक जजीरा ऐसा है कि वहाँ पे सेलिब्रिटीज जाते हैं, बॉलीवुड के इधर के भी जाते हैं, हर यानी कि सेलिब्रिटीज वगैरह जाते हैं हनीमून के लिए। इंडिया के बहुत सारी आवाम वहाँ पे जाती थी, हजारों में यानी कि ना हर साल जाती थी, और बड़ा प्रॉफिट जनरेट होता था मालदीव का। तो मालदीव की इकोनॉमी को कितना खतरा है? कोई भी बात होती है, आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इसमें 10 या 15 दिन होते हैं कि यार कोई भी मसले मसाइल हो उनके इंटरनली, लेकिन जब बात मुल्क की आए, जब उनके वजीर आजम की बात है या जब इंडियंस की बात है, तो बलोच भाई वो सब एक हो जाते हैं और ऐसी मिसाल दुनिया के सामने खड़े करते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कैनेडा को हमने देखा, उनके आगे घुटने टेकते हुए, उनसे माफिया मांगते हुए, लेकिन एक दफा जब इंडियन किसी मुल्क का बायकॉट कर देते हैं तो उसका दोबारा से फिर उस तरह बूस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये करना चाहिए कि ये मैंने उनको $1 बिलियन दिया है मुख्तलिफ जजीरों के दरमियान ब्रिज बनाने के लिए और घर बनाने के लिए। वो कहाँ ब्रिज बनेगा, कहाँ घर बनेंगे, वो तो सारा कुछ दुबई जाएगा, लंदन जाएगा, वो कहाँ आ जाना है। $92 मिलियन जो है वो हर साल मालदीव चाइना को अपने कर्जे जो वापस देने उसकी शक्ल में देता है, जो उनके टोटल बजट का 10% हिस्सा है। चाइना के साथ उसमें ज्यादा हाइप बनी होती है, उसके बाद एवरीथिंग इज नॉर्मल, नो प्रॉब्लम, इजी हो जाता है। लेकिन बहुत सारी यू नो एप्स होती हैं जिसपे टूर ट्रिप्स लगते हैं, लेकिन वो सारी उन्होंने मालदीव को साइड में कर दिया, बैन कर दिया। कुछ नहीं होता, कितने दिन करेंगे उधर नहीं जाएंगे, तो वो अब काफी सारे लोग हैं, उनने वो पहले से माइंडसेट बनाया होता है कि हमने यहाँ जाना है तो फिर वो जाना पड़ेगा। एक ऐसे मुल्क के खिलाफ इन्होंने किया जो उनका साथ दे रहा था उनको टूरिज्म के जरिए, और इसके अलावा दूसरी इनको सहूलियात दी। आप यहां तक देखें कि मालदीव में ये पानी पहुंचाते रहे, जब पानी की किल्लत हुई ये वहां पर जाके पानी पहुंचाते रहे, लेकिन इन्होंने उस किसी चीज का लिहाज नहीं रखा। ये तो करना चाहिए, ये देखें ये बात कर रही हूँ, अगर इंडियन करेंसी में आप उनको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में तो है इसमें डिफरेंस। अब बात कर जाए नेशन की और बिजनेस की, जो मैंने पहला कोट कहा कि जी बिजनेस फर्स्ट है क्योंकि आप वहाँ से नेशंस बनाते हो, लेकिन दो नेशंस ऐसी जो ऑलरेडी बिल्डअप हैं, जो इतना सक्सेस कर चुकी हैं, जो अपनी मार्केट में अपनी एक ऐसी प्लेस बना चुकी हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनके लिए नेशन प्रायोरिटी पर है, ना कि बिजनेस। एक ये $451-452 million सालाना ट्रेड करते हैं, कोई बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं है उनकी, लेकिन आपने देखा होगा थोड़ा वो आपने देखा उनकी जो लड़कियां औरतें हैं सर लपेट के फिर रही हैं, मौलवी साहब जो मोहम्मद मोईन साहब हैं वो भी दाढ़ी वाड़ी रख के फिर रहे हैं। माइंडसेट उनका मुझे तो को पूरा समझ नहीं आया, लेकिन इस वक्त वो चाइना और टर्की की तरफ जो है ज्यादा लीनिंग है।